हम इस वक्त मौजूद है बवाना की O6 फैक्ट्री के आगे। दरअसल बवाना में जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ, बम पटाखे बनाने की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए, 17 लोगों की जान गई। पुलिस ने इस मामले में जांच सामने आई और ये दावा किया जा रहा है कि वो फैक्ट्री 15 दिन पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज जिनके परिजनों से आज बात हुई, जिनकी मौत इस हादसे में हुई है, उनका साफ कहना है कि ये फैक्ट्री आज से नहीं बल्कि पूरे 2 साल से यहाँ पर ये अवैध पटाखे का कारोबार जारी था। हम यहाँ मौजूद है O6 की फैक्ट्री के आगे। यहाँ हम दिखा सकते हैं आपको कि कुछ महीने पहले ये फैक्ट्री यहीं से शिफ्ट होकर के F ब्लॉक में गई थी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पटाखों में यूज होने वाला ये पत्थर यहाँ पर मौजूद है। साथ में यदि हम इसको यदि ढूंढते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पटाखे हैं, जिन्हें बच्चे लहसुन बम भी कहते हैं। लहसुन के आकार के पटाखे हैं और इनके अंदर यदि हम इस तरह से खोलेंगे तो आपको बारूद का कुछ हिस्सा, पत्थर भी मिलते हैं और यदि हम इनको जमीन पर उड़े मारते हैं ऐसे तो ये पटाखे आवाज भी करते हैं। कहीं ना कहीं जांच पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह का ये अवैध कारोबार आज से नहीं बल्कि 2 साल से जारी था और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना लाजमी था जिन्होंने इनके लाइसेंस को चेक नहीं किया। अब उस बात को पुलिस दरकिनार करते हुए सिर्फ यही अभी तक साबित करने में जुटी है कि उस फैक्ट्री की शुरुआत 15 दिन पहले ही हुई थी। ज्यादा पास आ गए, छोड़ के दिखाऊं एक को, छोड़ के दिखाओ सर, आप पूरी घर आ जाओ। मंगवा लो, जितने मिले उतने बजा देगा। ये कागज वाला, ये कागज वाले, ये 150 में करी है सर, 150 में के लिए।